हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सभी राज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज हम निकल चुके हैं तिल्दा नेवरा के लिए। तिल्दा जाएंगे जहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो फंक्शन हो रहा है वो अटेंड करेंगे हम लोग। सौरा एकदम हाथ जोड़ के रेडी हो गई, एकदम जाने के लिए बैठ गई है और साची और उसकी मम्मी पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी 1 बजे है, बस हम वो जगह में जाना है। भीड़ तो बहुत होगा, बस थोड़ा सा बैठेंगे और थोड़ा सा उनका जो शिव महापुराण का कथा है वो सुनेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ होगा जान रहा हूँ, लेकिन हमें जाना ही है। बस निकल गए हैं, बहुत दिन बाद प्लानिंग बना है, तो चलिए हम आपको वहाँ की टूर आज कराने वाले हैं। तो हम लोग रास्ते में थोड़ा सा हल्टिंग ले रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है सीधा यहाँ से जो तिल्दा है 5 किलोमीटर बस बचा हुआ है, तो थोड़ा सा हरे भरे खेत का आनंद ले लेते हैं। देख सकते हैं हमारे चारों तरफ हरे भरे खेत है और ये जो है ट्यूबवेल लगा हुआ है। बाकी समय डबल फसल लेते होंगे किसान, उसके लिए लगा के रखें। और ये रहा हरा भरा खेत। हाँ, हो गया हल्टिंग, हो गया, पानी वानी पी लिए। हाँ आप भी पियोगे। और साची हम लोग भी हैं। अच्छा, तो कुछ आना चाहिए यार। चलो चलो, साची के एक नींद पूरा भी हो चुका है। हाँ। तो चलो अब चलो चलो। तिल्दा के पावन भुइया में पहुंचने वाले हम लोग, बस थोड़ी देर है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं भीड़ भाड़ इलाका चालू हो गया है। और ये एंट्री अंदर से शायद 2-3 किलोमीटर और है यहाँ से तिल्दा। चलते भैया, क्या बताया? चलिए भैया कथा स्थल चलते हैं अंदर। तिल्दा तो पहुंच गए, किसी भी चीज में डालेंगे वो अपनी मिठास छोड़ देती है। गुड़ को लंबी लाइनें स्टार्ट हो गई है भैया, शक्कर को। सो फ्रेंड्स, गाड़ी को हमने यहाँ पे पार्क पे लगा दिया है। अभी कथा स्टार्ट हो गया है, इसलिए यहाँ पे जो है गाड़ी लगाने के लिए पब्लिक भीड़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी पार्क पे लगा के चले गए हैं। हमने बहुत जगह देखा, पूरा जो मैदान है वो पूरा कचाकच फूल है गाड़ियों से। ट्रैक्टर में भी लोग आए हैं, ट्रक में भी बैठ बैठ के आए हैं। देख सकते हैं आप कितना भीड़ है, गाड़ी पार्किंग का जगह ही नहीं मिला। बहुत जाके अंदर हम लोग गए तब जाके जो है गाड़ी पार्किंग के लिए जगह मिला। और देखिए पार्किंग में फुल, एकदम फुल फ्लैश गाड़ी पूरा खड़े हुई है। तो चलिए अब आगे चलते हैं कथा स्थल पर और आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। यहाँ से पैदल पैदल जाना है, लगभग 1 किलोमीटर है। Thank you.
हाँ खा ले। यही रास्ता है सीधा है क्या? आज का जो शिव महापुराण का कथा था उसका समापन हो गया है और उसके बाद यहाँ पे झमाझम बारिश स्टार्ट हो गया है। तो मैं स्वरा साची और उसकी मम्मी को एक जगह है, पता नहीं कोई अनजान है, उसके घर छोड़ दिया और उनको वहाँ वेट करने बोला हूँ और मैं यहाँ से कार लेके जा रहा हूँ, फिर हम लोग साथ में निकलेंगे। बहुत ही खराब रास्ता है और पार्किंग यहाँ से दूर है, थोड़ा कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर है, तो वहां से फिर हम लोग निकलेंगे। ऐसे खराब रास्ते हैं, छोटे बच्चे को लेके कहाँ आता मैं ऐसे बारिश में, तो मैं कार ही लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग 2 से 3 घंटा फंसे हुए थे ट्रैफिक में, उसके बाद फाइनली 9 बजे तक हम लोग रायपुर पहुँचे वापस और बाहर खाना वाना खा के हम लोग घर गए। फिर चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।